हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑब्वियस है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी होगी? दैट इज गिवन बाय द जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो हमारे पास ये थ्योरी दी है, प्लस वन में टू और थ्री मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट एंड सिंपल, आसान सा हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? गिव द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पोस्टुलेट मीन्स पॉइंट्स, उसकी थ्योरी के पॉइंट्स हमने देने हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट उसने बहुत ही सिंपल दिया कि मैटर मींस एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल, मींस स्मॉलेस्ट, मींस स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम। देखिए, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में डाल्टन के अकॉर्डिंगली क्या था कि एटम सभी मैटर में प्रेजेंट होता है। कोई भी आप चीज ले रहे हो, सभी को बनाने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? दैट इज एटम। और वो इनडिविजिबल होता है, उसको फर्दर आप नहीं तोड़ सकते। दिस इज द मेन पॉइंट, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। सेकेंड पॉइंट में आपने पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, तो मान लेते हैं ये एलिमेंट है, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको बनाने वाले भी पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम। ये सारे क्या है? एटम्स। तो उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, ऑल आर आइडेंटिकल। उनका रंग रूप आप कह सकते हो सेम होगा, दे आर सेम इन साइज शेप मास इन एवरी फीचर। तो क्या कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, वेदर वो उनका मास है, साइज है, शेप है, सभी तरीके से वो एक जैसे होंगे। फिर उसने कहा कि ये हाइड्रोजन है जी, और ये एनी अदर, मान लेते हैं लिथियम ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, हीलियम ले लिया, कोई भी आप ले लो, कोई भी और एलिमेंट ले लो, उसके अंदर भी एटम होंगे, वो सारे भी एक जैसे होंगे, लेकिन इसके एटम से मिलते होंगे। तो ही सेज नो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब उनका कुछ भी मिलता नहीं होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, अगेन मास, साइज, शेप, केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, किसी भी फीचर को ले लो वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम कहें कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें आधा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, पौना एटम, 3/4 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन वो क्या होता है हमारे पास? एटम। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट, एक इसका एटम या इसका एटम, टू और
मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। To form compound atom और आप उसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मान लेते हैं मैंने एक ले लिया C का एटम, C एलिमेंट का, एक ले लिया H, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, इनके मैंने एटम ले लिए, टू एलिमेंट के एटम ले लिए, वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। सिंपल रेशियो मान लेते हैं ये वन टाइम है, ये फोर टाइम है, वन रेशियो फोर विच इज क्वाइट सिंपल होल नंबर, तो उससे क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, या फिर उसने कहा था कंपाउंड एटम। एक सी ले लिया, एक दो ओ ले लिए, वन रेशियो टू सिंपल होल नंबर रेशो। एक एच ले ली, दो एच ले लिए, एक ओ ले लिया, टू रेशो वन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, समझ रहे हो, डिफरेंट हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, टू और मोर, मान लेते हैं टू और मोर की कंसेप्ट समझनी है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, टू रेशो वन रेशो फोर विच इज क्वाइट सिंपल। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिससे हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम और आल्सो सेड एज मॉलिक्यूल। लास्ट बहुत सिंपल है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल सी टर्म, बहुत बार सुनी है, क्रिएट नहीं हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। बाय किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से आप ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सारी इसकी थ्योरी एटम के अराउंड घूम रही है, सो इट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की थ्योरी आपको समझ आ गई होगी, तो लगे हाथ इसकी लिमिटेशंस, इसकी कमियां भी साथ ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन से। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, मैं रेड पेन से रेफर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम किसकी बात करेंगे। अब लिमिटेशंस की, जो इस लॉ की कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी आ जाती है हम इसके सेकंड पॉइंट में, इसने कह दिया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। अब कोई भी चीज साइंस में अगर आप कह रहे हो तो यू शुड जस्टिफाई दैट टर्म, आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होनी चाहिए कि आपने ये बात क्यों कही। तो इसके पास इसने बात ये मेंशन कर दी, बट डजंट हैव एनी सॉलिड प्रूफ, ही कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टर्म कि व्हाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि व्हाई, आपने क्यों कहा डाल्टन जी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर भी उसके पास इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं था, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये दोनों, अगर थ्योरी अच्छी तरह से याद कर ली आपने तो लिमिटेशन में ये दोनों पॉइंट आपने विद वाई आप रेफर कर सकते हो, या सिंपली यू कैन से ही कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टर्म, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इसके फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं हम। उसने कहा कि एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन क्यों कर रहे हैं, वाई एटम्स अलग अलग पड़े थे, क्यों जरूरत पड़ी उनके कंबाइन होने की, या उनको कंबाइन करने वाली फोर्स कौन सी है, तो ही डज नॉट एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ फोर्स। तो ये इसका थर्ड लिमिटेशन है कि डाल्टन जी डजंट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। तो बाइंडिंग फोर्स को
डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सका था। फोर्थ पॉइंट वो आपके पास मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि इसने जो भी ला दिए वो जो आपने पहले पॉइंट्स दिए सॉरी जो उसने पॉइंट्स दिए वो मास से रिलेटेड जितने ला थे उनको तो एक्सप्लेन कर सके, लेकिन जो गैसियस ला था या गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड ला थे उनके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लास रिलेटेड विद द गैसियस वॉल्यूम। तो आई थिंक फोर पॉइंट आपके सामने ये मेंशन मैंने किए हैं विच आर द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटोमिक थ्योरी। तो माइंड में रखना कि फर्स्ट ही कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द एटम्स ऑफ डिफरेंट सेम एलिमेंट आर सिमिलर। ही कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। ही डज नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। थैंक यू।